Very good morning to all. How are you students? I hope you all are very well and safe at your home. Welcome to online class of drawing bete. Myself Sumitra. I am your drawing teacher. Today we will learn how to make flower pot from pencil shading. बेटा पेंसिल शेडिंग से मैं आपको आज फ्लावर पॉट बनाना सिखाऊंगी। देखो आपकी बुक में ये पेज नंबर 10 पे ये जो फोटो दी गई है पिक्चर फ्लावर पॉट की, हम इसको ड्रॉ करेंगे और फिर ड्रॉ करने के बाद मैं आपको ये पेंसिल से शेडिंग करना सिखाऊंगी। ठीक है, आज हम फ्लावर पॉट बनाएंगे। ओके बेटे, सभी अपने बुक की ये पेज खोलेंगे, ओपन करेंगे ये वाली पिक्चर, उसको सामने रखेंगे और उसको देख के ड्रॉ करेंगे और फिर पेंसिल शेडिंग करेंगे। ओके, फर्स्टली आई विल टेल अबाउट मटेरियल। बेटे यू विल हैव टू टेक सम मटेरियल लाइक पेंसिल, इरेजर, स्केल, ड्राइंग फाइल। ओके बेटे, सबसे पहले जैसा कि मैंने बता ही रखा है आपको, सबसे पहले हम फ्रेम बनाते हैं, चारों तरफ डिजाइन करते हैं, उसके अंदर हम पिक्चर बनाते हैं। ओके, देखिए बेटे हमने अपने फ्रेम को कंप्लीट कर दिया है चारों तरफ से। देखो आप भी ऐसे ही करेंगे। अब हम पेंसिल से ड्रॉ करेंगे फ्लावर पॉट को, इसको सामने रखेंगे आप और अच्छे से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम फ्लावर पॉट इधर से बनाएंगे। ऐसे ठीक है ना, देखिए बेटे फ्लावर पॉट को अच्छे से ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल हल्की लाइट पेंसिल चलाएंगे। उसके लिए हम डार्क नहीं चलाएगा कोई भी बच्चा, क्योंकि डार्क पेंसिल को फिर इरेज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल हल्के हाथ से देखिए बेटे, अब जैसा कि इसमें दिखाया गया है हम भी इसी प्रकार का डिजाइन कर देंगे। ओके, अब हम इसके अंदर अब ऊपर फ्लावर्स बनाएंगे। इजी फ्लावर है बिल्कुल ही, और आपको जो अच्छा लगता है वो फ्लावर भी आप बना सकते हैं अपने मनपसंद। और ये फ्लावर बिल्कुल ही इजी है। अब हम साइड में लीव्स बना के दिखा रहे हैं आपको। देखिए बेटे ऐसे ऐसे लाइन लगाएंगे लीव्स के लिए, और थोड़ा थोड़ा ऐसे। देखिए बेटे अब एक इधर बना देंगे, देखिए बेटे ऐसे एक फ्लोर हम इधर बनाएंगे। आप भी अच्छे से बनाएंगे सभी। आई होप यू अंडरस्टूड बेटे, आप समझ गए होंगे। ओके, देखिए बेटे ऐसे हम अपने फ्लावर को फ्लावर्स इधर बना लेंगे। और हम आप साइड में एक पॉट दिखाया गया है, देखो इसमें आप ये वाला इधर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे इसको। देखिए
फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं, आप भी ऐसे ही बनाएंगे सभी बच्चे, ठीक है ना? ओके बेटे, अब हम इसको इधर ड्रॉ करेंगे साइड में। सबसे पहले ऊपर से देखो, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन लगा लेना इसके ऊपर वाले हिस्से को बनाने के लिए, और ऐसे करेंगे दोनों साइड से, और इनको बिल्कुल ऐसे, ज्यादा राउंड नहीं लेना इसको, ऐसे, ठीक है? अब इधर से ये जो दूसरी लाइन है इसको मिला देंगे, और इधर से ये अंदर की साइड एक लाइन और दिखाई दे रही है, इसको इधर मिला देंगे, ठीक है? अब हम इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन हल्के से ऐसे लगा लेंगे, और इधर से जो इसका बीच वाला हिस्सा है इसको कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे करेंगे, और इसको हल्के से कारू लाइन लेके और इधर मिला देंगे, ठीक है? आप इसको भी ऐसे ही करेंगे, हल्के से अंदर की साइड कर्व लाइन लेके और इधर मिला देंगे, ठीक है? अब आप इसको इधर नीचे की तरफ और ठीक है बेटे, अच्छे से बनाएंगे इसको। देखिए बेटे, ठीक है? आप इसके अंदर जो डिजाइन दिखाया गया है इसको इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, ऐसे इधर से और इधर एक फ्लावर बनाया गया है, आप भी एक फ्लावर बनाएंगे इधर अच्छे से, देखिए बेटे हमने अपने फ्लावर्स वगैरह सभी कंप्लीट कर लिए हैं, आप भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है? देखिए अब हम आपको शेडिंग बताते हैं। सबसे पहले हम जो ये लाइन है इनको हम थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है? डार्क करने के बाद अब हम पेंसिल को स्ट्रेट नहीं पकड़ेंगे ऐसे, अब हम पेंसिल को ऐसे पकड़ेंगे। देखिए बेटे, आप पेंसिल को ऐसे पकड़ते हुए ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से चलाएंगे, और यहां से रखेंगे और ऐसे इस साइड, ठीक है? देखो बिल्कुल अच्छे से करेंगे, मिक्स करते हुए, लाइनिंग दिखाई नहीं देनी चाहिए बेटा। अब देखो ऐसे नहीं करना, अगर ऐसे करोगे तो ऐसे लाइन आएगी, ठीक है? कोई भी बच्चा पेंसिल को स्ट्रेट नहीं पकड़ेगा, सभी ऐसे पकड़ेंगे पेंसिल को और यहां रखेंगे लाइन के ऊपर ऐसे, ठीक है? ऐसे ऐसे करते हुए इसको पूरे को कंप्लीट करेंगे, इन सभी लाइंस के ऊपर रख रख के ऐसे, ठीक है? देखिए ऐसे करोगे तो आप लाइनिंग दिखाई नहीं देगी आपको बिल्कुल भी, और अच्छे से मिक्सिंग भी आ रही है, देखो लाइट डार्क हो जाएगा, इधर से डार्क हो जाएगा और यहां से लाइट हो जाएगा ऐसे, ठीक है?
आप सभी ऐसे ही करेंगे, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके बेटे, देखिए बेटे आप भी ऐसे ही करेंगे। अब हम आपको फ्लावर्स में बताते हैं, ठीक है। फ्लावर्स के बीच वाले हिस्से में थोड़ा डार्क कलर करेंगे, ठीक है। और यहां से आप पेंसिल को रखेंगे और ऐसे लाएंगे, देखिए, ठीक है। ऐसे ही आप सभी फ्लावर्स के अंदर शेडिंग करेंगे अच्छे से, देखिए बेटे। आई होप यू अंडरस्टूड बेटे। ऐसे कंप्लीट करेंगे हम सभी फ्लावर्स को और लीव्स को, देखिए बेटे। ऐसे हम शेडिंग करेंगे और आप इसके अंदर थोड़ी आप स्ट्रेट भी ले सकते हैं पेंसिल, क्योंकि इसमें लाइनिंग दिखाई गई है, ठीक है। इसको ऐसे कर देंगे, देखिए बेटे। और फ्लावर पॉट इज रेडी, हमारा फ्लावर पॉट रेडी हो गया है। देखिए आप सभी ऐसे ही पेंसिल से अच्छे से शेडिंग करेंगे, ठीक है। आई होप आपने पिछली वीडियो में मैंने डॉग में कलर करवाया था, आप सभी ने कर लिया होगा, ठीक है। आप इसको भी कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से पेंसिल से, देखिए बेटे अच्छे से शेडिंग करेंगे। ओके, थैंक यू बेटे।